नमस्कार, हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की ताजा खबर के साथ। हमीरपुर के गांधी चौक में आज डिपो संचालकों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, तो चलिए देखते हैं क्या है डिपो संचालकों की मांगे। सर, ये धरना प्रदर्शन क्यों है आज? आज जो हमने धरना प्रदर्शन दिया, इसका मेन कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाभार्थी संवाद के तहत जो है वो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए हमें विभाग की ओर से, प्रदेश के सभी डिपो संचालकों को विभाग की ओर से ये आदेश जारी हुए कि आप जो है वो इस कार्यक्रम से पहले अपने अपने डिपो के ऊपर जो नीला रंग करवाएं, और इसके एवज में आपको जो है वो विभाग और सरकार की तरफ से 2,000 रुपया आपके खाते में डाला जाएगा। लेकिन कांगड़ा जिला के नूरपुर ब्लॉक से एक निरीक्षक ने, जिसकी शिकायतें मुझे वहाँ के जो डिपो संचालक हैं उन्होंने की, कि वहाँ से जो है वो डिपो संचालकों से 2,000 रुपया ये कहकर लिया कि आप 2,000 रुपया दीजिए और ये पैसे जो है वो आपके खाते में रंग कराने के एवज में आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो ये आरोप जो है वो वहाँ के डिपो संचालकों ने लगाए, और उनके आरोप लगाने के बाद, जिसके प्रमाण मेरे पास मौजूद है, उनके आरोप लगाने के बाद जो है वो मैंने इस सारी स्थिति से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया, वहाँ के DFSC को मैंने इस सारे मामले से अवगत कराया, उसकी अभी जांच चल रही है, और जो जिन लोगों ने मेरे साथ शिकायत की थी, विभागीय जांच के चलते उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि ये आवाज़ जो है इस ऑडियो में जो आवाज़ है मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने कहा कि ये आवाज़ हमारी है। तो अब जो है वो वहाँ का जो निरीक्षक है और चंद डिपो संचालक, वहाँ के जो स्वार्थी डिपो संचालक हैं, वो मिलके जो है वो अन्य डिपो संचालकों के ऊपर दबाव बनाकर जो है वो इस जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी ये सरकार से, आज जो हमने ये धरना दिया है, हमारी ये सरकार से मांग है कि सरकार जो है इस निरीक्षक को, आरोपित निरीक्षक को वहाँ से निलंबित करने के उपरांत जो है वो इसकी निष्पक्ष जांच करवाए, और निष्पक्ष जांच जो है वो तभी हो सकती है अगर सरकार उसको निलंबित करने के बाद जो है किसी अन्य एजेंसी से, विभाग से ना कार्रवाई करवाकर, जो जांच ना करवाकर जो है वो किसी अन्य एजेंसी से इसकी जांच करवाए, तो सच का सच जो है सच सामने आ जाएगा। आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये है कि हमारी इस मांग को या अन्य मांगे हमारी जो है, जैसे हमारे लिए डिपो संचालकों के लिए स्थायी नीति बनाने की हमारी बड़ी पुरानी ये मांग है, लंबित मांग है, इसे भी आज तक जो है वो नहीं माना गया है। तो हमारी इन सभी मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जो है वो अगले माह धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे, और इसके लिए हमने रणनीति बना ली है। ओके, थैंक यू सर। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।